अफसर कभी झुंड में नहीं रहता। यू वेलकम टू मेजर रजवार एकेडमी। बेटा अगर आपको अधिकारी बनना है तो आप अकेला रहना सीख लो, क्योंकि एक अधिकारी होता है, सैकड़ों सिपाही होते हैं, सैकड़ों कर्मचारी होते हैं, उनके लिए डिसीजन लेते हो आप। कभी आपने नहीं सुना होगा कि 500 अधिकारी है एक डिपार्टमेंट में। नहीं, एक अधिकारी होगा, उसके अंडर में 500 कर्मचारी होंगे, 1000 कर्मचारी होंगे। डिसीजन मेकिंग आपका काम होगा। डिसीजन के लिए आप में रैशनैलिटी होनी चाहिए, आप में एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, और इनको डेवलप करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए आपको अकेले रहना पड़ेगा। जितना बड़ा पद, जितने बड़े अधिकारी बनेंगे, उतना अकेला रहना पड़ेगा आपको। इसीलिए आप देखेंगे अधिकारियों का रेजिडेंशियल एरिया भी कर्मचारी से अलग होता है। जितना बड़ा अधिकारी उतना अलग। बेटा इस दुनिया के जितने बड़े लोग हुए हैं, सबके सब अकेले को, अकेलेपन को एंजॉय करना जानते हैं। आप देखो महात्मा बुद्ध, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अपने देश के करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब, उनके डिसीजंस पूरी दुनिया सोचती रह जाती है कैसे लिया डिसीजन, क्योंकि वो अकेलेपन को एंजॉय करना जानते हैं। तो अगर आपको अधिकारी बनना है तो अकेला रहना सीखो। जिस क्षेत्र में जाना है, उस क्षेत्र में जो अभी प्रेजेंट में टॉप पर लोग बैठे हुए हैं, उनकी बुक्स पढ़ो, अपने को एम्पावर करो, शक्तिशाली बनाओ। अकेले रहना सीखो, एंजॉय करो अकेलेपन को। जिस दिन अकेले रहना सीख जाओगे ना, अफसर बनने से कोई रोक नहीं सकता। जिस क्षेत्र में सोचोगे टॉप पर पहुंच जाओगे। थैंक यू बेटा।